स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू शानी पनी एजुकेशनल एकेडमी। हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा फोर यूनिट है नेगेस रिवेंज उसको स्टडी करना स्टार्ट किया था। ओके, अब तक हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि जो नेगी नाम का जो बर्ड है वो उसको हनी क्यूब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी हनी क्यूब का उसको पता चलता है तो वो आवाज़ करता है और हनी क्यूब को लेता है, उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे गिंगली करके एक आदमी है, वो बहुत ज़्यादा ग्रेडी यानी कि लालची है। वो किसी का खून कर दे तभी किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। वो किस कोई भी बात किसी के साथ शेयर नहीं करता है। वो सब हमने देख लिया कि कैसे वो नेगी है उसकी मदद करता है कि जब वो नेगी की बूम नेगी की आवाज़ को सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि हनी के लिए आवाज़ आ रही है। तो वो उसका पीछा करते करते उसको हेल्प करता है। जहाँ पे मधुमक्खियों का जो छत्ता जो उसकी हाइव जहाँ पे होती है वहाँ पे वो गिंगली को ले जाता है। पर जब वो हनी क्यूब ले लेता है तब वो नेगी को कुछ भी नहीं देता है। तो यहाँ तक का हमने देखा हुआ था। चलो उसके बाद का हम स्टडी करते हैं। फाइनली गिंगली रीच द फॉरेस्ट फ्लोर। नेगी फ्लू टू अ रॉकी पैरच नियर द मैन एंड वेट पेशेंटली फॉर हिज राइटफुल शेयर ऑफ द हनी एंड द ग्रोप्स। टू द बर्ड सरप्राइज गिंगली पुट आउट द फायर पिक अप हिज टूल्स एंड स्टार्टेड वॉकिंग होम। कि फाइनली गिंगली कहाँ पे पहुँच गया है, जो जंगल की जो जमीन है वहाँ पे वो पहुँच जाता है। नेगी भी जोर से फ्लाई करता हुआ उसके पास पहुँच जाता है और वो ऐसा सोचता है कि अब इसमें से जो मेरा हिस्सा है राइटफुल शेयर यानी कि जो मेरा हिस्सा है हनी में और ग्रब्स में वो मुझे मिल जाएगा। पर वो सरप्राइज होता है कि गिंगली ऐसा कुछ नहीं करता। वो क्या करता है, वो आग को पुट आउट करता है और अपने जो टूल्स है उसको ले के घर की ओर चल पड़ता है। नेगी चीप इमिडेंगलीटली तो इसका मीनिंग होता है एंग्रीली। ओके, तो नेगी बहुत एकदम गुस्से में चरकता है। गिंगली स्टॉप स्टेड एट द लिटल बर्ड एंड लाफ अलाउड। गिंगली स्टॉप यानी कि रुक जाता है और वो छोटे से पक्षी को देख के वो हंसने लगता है जोर जोर से। यू वॉन्ट सम ऑफ द स्पॉइल्स डू यू। हाँ, हु डिड ऑल द वर्क एंड सफर ऑल द स्टिंग्स। वाई शुड आई शेयर एनी ऑफ दिस हनी विथ यू यू लिटल नथिंग। बी ऑफ एंड वाई एंड फाइंड योर सेल्फ अनदर सफर। विथ अ वेव ऑफ हिज आर्म गिंगली वॉक अवे होमवर्स। कि वो पक्षी को देख के नेगी को देख के वो जोर जोर से हंसने लगता है गिंगली और क्या कहता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, तुम्हें लगता है मैंने इतनी मेहनत करी इतने दंग खाए तो मैं किस तरह से इसमें से हिस्सा तुझे दे दूँ, ये हनी मेरा है। बी ऑफ का मीनिंग होता है गो अवे कि तू यहाँ से चला जा और अपने सफर यानी कि अपना नाश्ता के लिए कोई और इंतज़ाम कर ले। और इतना बोल के वो घर की ओर चल पड़ता है। नेगी वो फ्यूरियस का मीनिंग होता है वेरी एंग्री। नेगी खूब गुस्से हो गया। हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम एंड रिफ्यूज टू शो हिज ग्रेटिट्यूड। कि उसने क्या कहा कि ये जो मैन है वो कैसे इतना पुराना रिवाज तोड़ सकता है, इतना ग्रेटिट्यूड यानी कि इतना अभिमान किस तरह से वो कर रहा है। पुराना रिवाज है कि जब भी ऐसे नेगी हेल्प करता है तो उसको आधा हिस्सा उसमें से हनी का देना पड़ता है। तो वो जो गिंगली है वो उसको तोड़ के जा रहा था, इसीलिए नेगी गुस्सा हो रहा था। लिटल नेगी वॉज नॉट पावरलेस। ही वेट एंड वॉच द मैन फॉर सर्वल डेज एज ही प्लान टू टीच गिंगली अ लेसन एंड टेक रिवेंज। कि जो नेगी है वो पावरलेस नहीं था। उसने क्या करा, उसने थोड़ी देर रुका और वो जो गिंगली है उसको सर्वल डेज उसने कुछ नहीं किया थोड़े दिन के लिए। फिर एक दिन उसने गिंगली को लेसन सिखाना और बदला लेने का तय किया। सर्वल वीक्स लेटर गिंगली अगेन हर्ड द कॉल ऑफ द नेगी। रिमेम्बरिंग हाउ स्वीट एंड वंडरफुल द हनी हैड बीन द लास्ट टाइम गिंगली ईगली फॉलो द लिटल बर्ड वंस अगेन। कि थोड़े वीक बाद उसने फिर से नेगी की आवाज़ सुनी। नेगी जब भी आवाज़ करता है इसका मीनिंग क्या होता है कि स्वीट हनी मिलने वाला है, तभी नेगी आवाज़ करता है। आगे भी उसने आवाज़ किया था तब गिंगली ने सुन के उसका पीछा किया था। तो इस
इस बार भी वो उसका पीछा करने लगा। आफ्टर मेकिंग हिज वे राउंड द एज ऑफ द फॉरेस्ट नेगी सडनली केम टू रेस्ट ऑन अ ह्यूज अम्ब्रेला थॉर्न ट्री। आ थॉट गिंगली, द हाइव मस्ट बी इन दिस ट्री। ही क्विकली मेड हिज स्मॉल फायर एंड बिगन हिज क्लाइंब विद द फ्लेमिंग ब्रांच हेल्ड बिटवीन हिज टीथ। नेगी सेट एंड वॉच कि ऐसे उड़ते उड़ते नेगी एक बड़ा अम्ब्रेला जैसा एकदम बड़ा कांटे वाला झाड़ आया, वहाँ पे वो रुक गया। और फिर गिंगली ने सोचा कि यहाँ पे इस झाड़ में ही छट्टे हो गए मधुमक्खी के, तो उसने आग लगाई नीचे और फटाफट से झाड़ के ऊपर चढ़ने लगा और नेगी बैठ के ये सब देख रहा था। गिंगली क्लाइम वंडरिंग वाई ही कुड नॉट हियर द यूजुअल बजिंग। वो ऊपर की ओर चढ़ रहा था और वो सोच रहा था कि आज मुझे मधुमक्खी की बजिंग क्यों नहीं सुनाई दे रही। ठीक है, बाकी का जो लेसन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।